अगली खबर, चौथे चरण के मतदान को लेकर भाजपा के विजय रथ को गति देने के लिए 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरी भी कर ली गई है और वहीं पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार भाजपा सहित अधिकारी भी लगातार पहुंच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान को लेकर भाजपा का विजय रथ को गति देने के लिए 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी धार पहुंचेंगे। यहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर सहित आसपास के जिलों में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान को लेकर मतदाताओं से अपील करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए भाजपा कार्यालय पर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने संबोधित किया और भाजपा के भारी मतों से जीतने की बात भी उनके द्वारा कही गई। माननीय प्रधानमंत्री जी 7 तारीख को पधारने वाले हैं, वो एक घंटा यहाँ रुकेंगे और सुबह का ये कार्यक्रम है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आते हैं। जनता इतनी ललाई थे, इतनी उत्साहित थे वो अपने प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए। और हमारे लिए धार में ये सौभाग्य हमको 7 तारीख को मिल रहा है और वो 7 तारीख को पधार रहे हैं और हजारों की संख्या में उस दिन कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होंगे। जैसा हमारे वरिष्ठ माननीय विक्रम जी भाई साहब ने कहा कि पिछली बार धार में जब उनका आगमन हुआ था तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता की उपस्थिति थी, इस बार उससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता आएंगे। हमारे सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता पीले चावल लेकर आमंत्रण दे रहे हैं, जगह जगह बैठक कर रहे हैं और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि एक घंटे के उनके इस आगमन में जोरों जोरों से तैयारी चल रही है और उनके आने के बाद मुझे लगता है कि हमारी प्रत्याशी सावित्री जी पूरे रिकॉर्ड मत तोड़ से धार लोकसभा का चुनाव जीतने वाली है। और ये लोकतंत्र का जो बड़ा पर्व है मतदान, शत प्रतिशत, ये भी मेरा आप सबके माध्यम से जनता के को कहने का मैं आग्रह कर रही हूँ क्योंकि इस पर्व को हमें शत प्रतिशत भाग लेकर मतदान करना है क्योंकि राष्ट्रीय साधना से बड़ा कोई साधना नहीं है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी राष्ट्रीय साधना की ओर अग्रसर है। हमारा ध्येय राष्ट्र हित है और वो संकल्प जो माननीय मोदी जी ने लिया है कि 2047 तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित होगा, हम सब उस संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं और 7 तारीख को आप सब आमंत्रित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 10:30 बजे होगा, 10 बजे तक सारे लोग यहाँ उपस्थित होंगे। 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और कार्यक्रम में सभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित होंगे, माननीय जगदीश देवड़ा जी मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, माननीय विक्रम जी भाई साहब, सब हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, सभी लोग